और साथ ही साथ ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आयुष्मान भारत, मोदी केयर के नाम से जाना जाता है, जो पूरे विश्व से भी बढ़ करके मोदी केयर भारत में लागू हुआ है। एक परिवार को 5 लाख रुपए तक साल में दवा कराने के लिए सुविधा मिलेगा और जनपद सोनभद्र में 1,66,000 परिवार लाभान्वित होंगे और पूरा परिवार अगर जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 7 से 8 लाख परिवार लाभान्वित होंगे इस योजना से। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र भाई मोदी जी ने झारखंड से रांची से लॉन्च किया था। इससे पहले भी ये योजना लागू किया गया था लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप रहा था, क्या ये लगता है कि ये योजना सफल हो जाएगी? ये योजना एकदम सफल होगी, इसमें कोई दूरा नहीं है। अब ये हम लोग कार्ड दे रहे हैं, अब दवाई का काम भी शुरू हो जाएगा। अस्पतालों की बात करें तो इसमें मानक के विपरीत आयुष्मान भारत में दिया गया है अस्पतालों को इलाज करने के लिए, जिनके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, वो लाभार्थी के ऊपर है, वो कहीं प्राइवेट भी करा सकता है, सरकारी भी करा नहीं सकता सर, वो बात नहीं है। जिसको चयनित किया गया है आप लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत, जो अस्पताल आपने चयनित किया है वो अस्पताल मानक पे खड़े नहीं है। नहीं, हमारे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, देखवा लिया जाएगा ऐसा होगा।